आज मैं जो घोषणा करने जा रहा हूं, ये घोषणा बहुत बड़ी है और ये घोषणा संभव हुई क्योंकि दिल्ली के लोगों ने एक ईमानदार पार्टी को, ईमानदार राजनीति को वोट दिया था। उसकी वजह से आज दिल्ली के अंदर हम 200 यूनिट तक, जो जो लोग दिल्ली के अंदर 200 यूनिट तक खपत करते हैं उनको अपने बिजली के बिल देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, उनके बिजली के बिल माफ। लेकिन अगर आप 201 यूनिट इस्तेमाल करते हैं तो आपको पूरा देना पड़ेगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो लगभग आपको उसमें 50% की सब्सिडी मिलेगी, लेकिन 200 यूनिट का फायदा नहीं मिलेगा। तो 200 यूनिट बिजली इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपके बिजली की, आपको बिल देने की जरूरत नहीं, आपका बिजली का जीरो बिल आएगा। 201 से 400 यूनिट तक अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका लगभग 50% के करीब आपको सब्सिडी मिलेगी। इसके मोटे मोटे तौर पे दो हमारे आर्ग्यूमेंट्स हैं। नंबर वन, जैसा हमने पानी के क्षेत्र में कहा था कि एक लाइफलाइन कमिटमेंट सरकार का होना चाहिए। आज 200 यूनिट कुछ भी नहीं होते। 200 यूनिट का मतलब आप एक फ्रिज, एक टीवी, दो बल्ब, पंखे, इतने में 200 यूनिट। तो अगर हमारा ये मानना है कि अगर कोई आदमी गरीब है और उसके पास पैसे नहीं हैं तो क्या वो आदमी पानी नहीं पिएगा, क्या वो आदमी बिजली इस्तेमाल नहीं करेगा? तो एक उस लेवल का बेसिक लाइफलाइन का कमिटमेंट सरकार ने जैसे पानी के क्षेत्र में दिया था, ऐसे बिजली के क्षेत्र में दिल्ली सरकार दे रही है। और दूसरा, जब हमने पानी के क्षेत्र में ये कमिटमेंट दिया था, हमारा एक्सपीरियंस ये था, कुछ लोगों ने कहा कि अगर हम 20,000 लीटर पानी फ्री कर देंगे तो लोग पानी वेस्ट करेंगे। देखने में आया कि पानी की बचत होने लगी। बचत इसलिए होने लगी कि जो 21,000 लीटर इस्तेमाल कर रहा था उसने सोचा यार 20,000 के नीचे कर लूँ तो मेरा भी बचत हो जाएगी, मैं भी बच जाऊँगा। 22,000 जो कर रहा था उसने भी अपना पानी बचाना चालू कर दिया। उसी तरह से इसमें भी होगा कि जो 210 यूनिट या 300 यूनिट वो कोशिश करेगा यार 200 के यूनिट नीचे आ जाए तो मेरा बिल जीरो हो जाएगा। तो हमें ये उम्मीद है कि इससे बिजली की बचत को बहुत बड़ा एनकरेजमेंट मिलेगा। जो दिल्ली का लोड बढ़ता जा रहा है 6400 मेगावाट से 7400 मेगावाट हो गया है, मुझे लगता है कि उसके ऊपर भी वो थोड़ा सा कंट्रोल आएगा। ये करने के लिए सब्सिडी कितनी देनी पड़ेगी? लगभग वही है जो आज पिछले सालों में हम सब्सिडी का बिल जो हमारा होता आया है 1800 से 2000 करोड़ के करीब हमारा सब्सिडी का बिल हर साल होता है। सब्सिडी का बिल में कोई खास इंक्रीज की उम्मीद नहीं है। उसी सब्सिडी को हमने इस साल रीस्ट्रक्चर किया है कि किसको कितना देना है। अब इसके बाद क्या, इसके बाद इसका क्या नतीजा निकलेगा ये मैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए बता दूं। आज 200 यूनिट तक बिजली आज से दिल्ली में फ्री हो जाएगी। 2013 में हमारी जो पहले वाली सरकार थी उसके टाइम में 200 यूनिट के लिए 928 रुपए देने पड़ते थे लोगों को। 928 रुपए 2013 में देने पड़ते थे 200 यूनिट के लिए। कल तक लोगों को 622 रुपए देने पड़ते थे 200 यूनिट के, आज से वो फ्री है। 250 यूनिट के 2013 में हमारी सरकार बनने के पहले 1250 रुपए देने पड़ते थे, कल तक 800 रुपए देने पड़ते थे, आज से 252 रुपए देने पड़ेंगे। 250 यूनिट के आज से 252 रुपए, 252 रुपीस। 300 यूनिट के, ये मैं 2 किलोवाट लोड का बता रहा हूं ऊपर, 300 यूनिट के हमारे से पहले शीला जी के टाइम में 1585 रुपए महीना देना पड़ता था, कल तक 971 थे, आज से 526 रुपए हो जाएंगे। 400 यूनिट के 2013 में 2200 रुपए, 2250 रुपए देने पड़ते थे, कल तक 1320 रुपए थे, आज से 1075 रुपए हो जाएंगे। ये भी शेयर कर लेंगे आपसे, ये आपको सब चार्ट सभी बांट देंगे हम सारे, बहुत बड़ा चार्ट है। और आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी हो रही है
मुझे बड़ी खुशी हो रही है ये कहते हुए कि आज देश में, बाद में कर लीजिएगा, देश में सबसे सस्ती बिजली आज दिल्ली के अंदर मिल रही है। मुंबई में 200 यूनिट के 1400 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। मुंबई में 400 यूनिट के 3310 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। बेंगलोर में 200 यूनिट के 1350 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। बेंगलोर में 400 यूनिट के 2910 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। आपके बगल में गुड़गांव में 200 यूनिट के 910 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। गुड़गांव में 400 यूनिट के 1820 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। अपने बगल में नोएडा में 200 यूनिट के 1310 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। नोएडा में 400 यूनिट के 2480 रुपए 2500 के करीब लगते हैं, दिल्ली में 1075 लगते हैं। अमृतसर में जहां पे कांग्रेस की सरकार है 200 यूनिट के 1318 रुपए लगते हैं, दिल्ली में जीरो लगते हैं। और 400 यूनिट के अमृतसर में 2700 रुपए लगते हैं, दिल्ली में 1000 रुपए लगते हैं। तो देश में तो आज देश में सबसे सस्ती बिजली दिल्ली के अंदर हो गई है। मुझे पता है कि आज शाम को आप लोग डिबेट चलाएंगे, फ्री भी हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि एक तरफ अगर इंफ्रास्ट्रक्चर में इतना जबरदस्त इंप्रूवमेंट हुआ, एक तरफ अगर बिजली कंपनियों की फाइनेंशियल हालत इतनी इंप्रूव हुई, एक तरफ अगर रेवेन्यू इतना बढ़ गया, एक तरफ इतने ट्रांसफार्मर लग गए, आपको 24 घंटे बिजली मिल गई, तो ये फ्री इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लोगों ने ईमानदार सरकार को वोट दिया था।